मुझे लगता है कि जिस दिन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, भारतीय जनता पार्टी की वोटें कम होनी शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये एहसास हो गया कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब वो इस गलती को सुधार पाएंगे। इन पार्टियां पूरी ताकत के साथ इसका मुकाबला करेंगी। और जिस तरीके से कांग्रेस को के अकाउंट को फ्रीज किया गया, इतना इनकम टैक्स के नोटिस दिए जा रहे हैं, ऐसा लगता है इसके अंदर विपक्ष को बिल्कुल तबाह करने की कोशिश। और आज जो ये रैली है, ये इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेगी। देखिए, आज की जो रैली है, यहाँ पे इंडिया गठबंधन के सारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के गिरफ्तारी के खिलाफ एकजुट होकर देश को एक संदेश देना चाहते हैं कि इस प्रकार की तानाशाही अब देश में नहीं चलेगी। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त एक हो गया है अरविंद केजरीवाल के पीछे। अरविंद केजरीवाल आज एक व्यक्ति ना रहे, एक सोच है। इंडिया गठबंधन के जो मजबूत 28 दल के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो इससे हम लोग की मजबूती बढ़ेगी और हम लोग बीजेपी को हरा के ही छोड़ेंगे।